नमस्कार दोस्तों, दिव्याबाग क्रिएटिव टीजो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूं कि नवरात्रि में कलश स्थापना के समय हम ज्वार कैसे लगाते हैं ताकि वो हरे भरे होंगे, और कलश स्थापना भी बताऊंगी। जो भी ज्वार हम लाएंगे बाजार से, उसको हम रात में ही भिगो देंगे। अगर कल नवरात्रि है तो आज रात में ही भिगोना है, या 10-12 घंटे हम ज्वार को पानी में भिगो के रखते हैं और फिर उसे पानी से छान कर इस तरह से हल्का सा सुखा लेंगे। मिट्टी का इस तरह का बर्तन लेंगे, थोड़ा बड़ा लेना है मिट्टी का बर्तन, ताकि हम उस पर कलश भी स्थापित कर सकें। आप चाहें तो कलश अलग से स्थापित कर सकते हैं। और उसमें हम मिट्टी डालेंगे और थोड़ी सी रेत डालेंगे, जिसको बालू बोलते हैं या सैंड बोलते हैं। तो मिट्टी, जैसे 4 कटोरी मिट्टी ली है तो उसमें 1 कटोरी हमको बालू लेना है या रेत लेना है, और उसको फिर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने ज्वार भिगोए थे, रात में भिगो के रखे थे, या 10-12 घंटे जो भिगो के रखे थे, फिर उसके ऊपर से हम ज्वार के मिट्टी के ऊपर डालेंगे और थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और फिर उसमें हम पानी छिड़क देंगे। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बट हमको पानी डालते रहना है हर दिन, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी हमको इसमें डालते रहना है। और घर में आप कोशिश करिए कि जिस कमरे में स्थापना हो वहाँ चूहे ना जाएं, क्योंकि अक्सर चूहे भी खा लेते हैं ज्वार को, तो भी नहीं उगते हैं। फिर उसमें हम बीच में कलश स्थापित करेंगे। कलश में हम पानी भर के रखेंगे और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएंगे, और फिर हम एक हल्दी का टुकड़ा डालेंगे, खड़ी हल्दी डालनी है, इलायची डालेंगे, थोड़ा सा अच्छा सूत्र डालेंगे जिसको मौली बोलते हैं, और उसमें कुंकुम हल्दी अच्छा डालेंगे। फिर उसके ऊपर हम इस तरह का बर्तन रखेंगे चावल भरकर, और इसमें हम जो है आम का पत्ता लगाएंगे। 5 पत्ते लगाते हैं वैसे, आप चाहे तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। इस तरह से आम के पत्ते लगाएंगे और उसके ऊपर ये चावल से भरी कटोरी मिट्टी की रखेंगे। शुभ मुहूर्त में हमको इस तरह से कलश को स्थापित करना है और फिर इस कलश की पूजा करनी है। इसके ऊपर हम नारियल रखेंगे, नारियल के ऊपर आप रक्षा सूत्र और एक लाल कपड़ा लपेट के रखेंगे ये इस तरह से, और ये काम शुभ मुहूर्त में करना है। हम कलश स्थापित करेंगे तो जहाँ पे स्थापित करेंगे पहले हम गंगा जल से आचमनी करेंगे, फिर हम कलश स्थापित करेंगे ज्वार वाले बर्तन के साथ, और फिर हम हल्दी कुमकुम टीका लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। फिर जो चावल हमने रखा है उसमें हम 1 रुपये का सिक्का डालेंगे। ये करने से कहा जाता है कि घर में समृद्धि आती है, सुख समृद्धि आती है, और फिर हम कलश की पूजा करेंगे। तो ये कलश स्थापना की विधि भी है और ज्वार लगाने की विधि है। तो इस तरह से जो ज्वार लगाए हमने, वो दूसरे दिन उगने लगते हैं और 9 दिनों में काफ़ी बड़े हो जाते हैं, और जितने हरे ज्वारे और जितने लंबे ज्वार उगते हैं उतना ही माना जाता है कि घर में सुख और समृद्धि आती है। और ये था तरीका ज्वार लगाने का और कलश स्थापित करने का। और जब भी पूजा हम शुरू करेंगे, गणेश जी से शुरू करते हैं, तो एक सुपारी से गणेश जी स्थापित करते हैं, और एक गोबर से माँ गौरी बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और माता रानी की एक फ़ोटो रखते हैं सामने माँ दुर्गा की। और पूजा की विधि वही है, हल्दी कुमकुम अक्षत फूल माला चढ़ाएंगे, धूपबत्ती जलाएंगे, और फिर हम एक अखंड ज्योति जलाएंगे सच्चे मन से, जो 9 दिन तक जलती है, और भगवान को, माता रानी को प्रसाद चढ़ाएंगे, फल फूल कोई मीठी चीज़ बना के चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम कलश स्थापना करते हैं और ज्वारे लगाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें और इस बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरे आगे के अपडेट मिल सकें। थैंक यू।